कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। बड़े बड़े जो अपने को विकासशील देश समझते थे वो ठहर गए, चाहे वो जापान हो या इंग्लैंड हो या अमेरिका हो, इटली हो, स्पेन हो, बड़े बड़े मुल्क ठहर गए। ये इतनी खतरनाक बीमारी है, संक्रमण से फैलती है। एक आदमी को संक्रमण हुआ तो एक आदमी से 100 आदमी को हो सकता है, 100 से 1000 को हो सकता है और ये संख्या लाखों में पहुंच सकती है। और अभी तक इतनी बात आम आवाम तक पहुंच चुकी है, आप सब भी जान चुके हैं कि इसका संक्रमण इतना तेजी से फैलता है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो इसका कोई वैक्सीन नहीं, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। एक ही उपाय है, संक्रमण से बचना। और संक्रमण से बचने का एक ही उपाय है, अपने घर के अंदर रहना। इसीलिए नेशनल लॉकडाउन हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पूरे हिंदुस्तान को लॉकडाउन किया गया है 3 सप्ताह के लिए। इस 3 सप्ताह के लिए जो लॉकडाउन किया गया है, इसमें एक ही है, सबको अपने घर में रहना है। मैं ये अपील करता हूं, मैं अनुरोध करता हूं, सोशल डिस्टेंसिंग और इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं। बिहार सरकार ने तो इसे आपदा घोषित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 100 करोड़ रुपए तत्काल निकाल करके आपदा प्रबंधन विभाग को दिए हैं। और यह इसलिए है कि बिहार के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं या बिहार के बाहर जो गरीब मजदूर विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके खाने और रहने की व्यवस्था हो सके। बिहार के 38 जिलों में, जैसा कि आपको पता है कि ये सामूहिक किचन आपदा प्रबंधन आपदा राहत केंद्र यानी सामूहिक रसोई की व्यवस्था कर दी गई है और लोगों के रहने की भी व्यवस्था की गई है। सभी आवश्यक सेवाएं और आपातकालीन सेवाएं लॉकडाउन की अवधि में पूर्ववत चालू रहेंगी, जैसे अनाज, सब्जी, दूध, फल, राशन, किराना की दुकानें, दवा की दुकानें, सभी निजी और सरकारी अस्पताल खुले रहेंगे, बैंक, एटीएम, फोन, जनरल स्टोर, डेयरी, एम्बुलेंस सेवा, कोल्ड स्टोर, पोस्ट ऑफिस, पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, ताकि आम आवाम को या किसी तरह की असुविधा न हो, इसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर सामूहिक पूजा अर्चना अनुष्ठान यज्ञ प्रवचन जुलूस या कुछ भी लगाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया गया है। और ये सबके लिए, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, किसी भी मजहब के हों, कहीं भी सामूहिक पूजा नहीं हो सकती, इबादत नहीं हो सकती, कोई सामूहिक अनुष्ठान नहीं हो सकता, कोई जुलूस नहीं निकल सकता। इस बात को इसलिए कहना पड़ रहा है कि हाल ही में रामनवमी है, हनुमान जयंती है, तो उसमें इस बात को ध्यान रखने की है जरूरत। कहीं भी नहीं कर सकते, सारे मंदिर बंद करने के आदेश दिए गए हैं। और उसी तरह से मैं ये कहना चाहूं कि कुछ शिकायतें बाजार में कालाबाजारी की, सामानों की कमी की आ रही है, बहुत ज्वलंत मुद्दा है, इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। तो इसके बारे में सरकार ने पूरी व्यवस्था की है और सैकड़ों जगह पर छापामारियां हुई हैं, मुकदमे दर्ज किए गए हैं, लोग गिरफ्तार किए गए हैं और सरकार ने आदेश दिया है ऐसे करने वाला। मैं खुल करके इस मंच से कहना चाहूंगा कि जो भी कालाबाजारी करेंगे ये राष्ट्र के खिलाफ द्रोह है, ये समाज के खिलाफ द्रोह है। ये राष्ट्रीय आपदा के इस समय में अगर कोई मुनाफाखोरी करता है, कालाबाजारी करता है, तो वो उसके साथ बहुत ही सख्ती के साथ निपटा जाएगा। मुकदमे होंगे, उनकी गिरफ्तारी होगी, स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा और गुंडा पंजी में उनका नाम भी ये चढ़ाया जाएगा। ये लॉकडाउन देश के हित में है, ये सूबे के हित में है, ये आपके हित में है, ये संपूर्ण मानवता के हित में है। ये कठिन परीक्षा का समय है। अगर हम अगले 3 सप्ताह तक एकता का, अनुशासन का और धैर्य का परिचय देते हुए अपने घरों में कैद रहेंगे, अगर बाहर नहीं निकलेंगे, तो निश्चित रूप से हम संक्रमण को रोक सकेंगे। कम्युनिटी टू कम्युनिटी जो ट्रांसफर होता है ये संक्रमण, वो नहीं अगर होगा तो हम इस देश को बचा सकते हैं। और इसके बाद भारत दुनिया में एक बहुत बड़ा सशक्त देश बन करके उभरेगा। तो ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है और मुझे इस बात की खुशी भी है कि पूरी आवाम इसमें हमारा सहयोग कर रही है, सरकार का सहयोग कर रही है, लॉकडाउन का पालन कर रही है। कुछ चंद लोग जो हर जगह होते हैं, 1%, 2%, 3%, ऐसे ही कुछ चंद लोग हैं जिसका उल्लंघन करते हैं, तो ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने का आदेश दिए गए हैं। उनको मैं फिर एक बार अनुरोध करूंगा कि उनको मान जाना चाहिए, नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अभी तक हम लोगों ने करीब बहुत सारे मुकदमे किए हैं सैकड़ों लोगों पर, पूरे देश में तो हमको जो जानकारी है 32,000 ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन बिहार में भी ऐसे
बहुत सारे मुकदमे किए गए हैं, सैकड़ों लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हुई है, आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। हम जो मुकदमे करेंगे लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले मनचले जो लोग हैं, जो मस्ती के लिए तफरी के लिए रोड पर निकलेंगे, उनको पकड़ेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे, उनके खिलाफ केस करेंगे और केस होने के बाद जान नहीं छोड़ेंगे, उसका स्पीडी ट्रायल भी कराएंगे और गुंडा पंजी में भी उनके नाम को अंकित करेंगे, क्योंकि ये लोग बिल्कुल गैर जिम्मेदार लोग हैं और ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूं कि अभी तक मोटा मोटी 4000 से अधिक वाहनों को जब्त किया गया है, पाया गया है कि बिना जरूरी काम के ये निजी वाहन लेकर के लोग निकल रहे थे। 106 आदमी लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और करीब 78 लाख से अधिक जुर्माना के रूप में वसूली भी हुई है और 250 के आसपास FIR लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ तो बिहार में हो चुका है और ये जारी है। मतलब कहने का ये है कि लॉकडाउन को जो नहीं समझता है या जानबूझकर उसके उल्लंघन करता है, उसके प्रति पुलिस बहुत ही सख्त कदम उठाएगी किसी भी स्थिति में, चाहे वो कितने भी बड़े आदमी हो, उनके साथ बहुत ही कठोर कदम उठाया जाएगा, उनको किसी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत बार ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना की जा सकती है, की जा चुकी है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि ये जन प्रतिनिधि जो हैं, सब लोगों के साथ मेरी और चीफ सेक्रेटरी की भेजी हुई, हम सब लोगों ने बात किया है, 8000 से अधिक मुखिया हैं, सारे मुखिया, मैं अपील करना चाहूंगा फिर उस बात को दोहरा करके, सारे मुखिया लोगों से, सारे सरपंच लोगों से, सारे वार्ड मेंबर से, सारे वार्ड परिषद के लोगों से, जिला परिषद से, सारे मेयर लोगों से, उपमेयर लोगों से, हर स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे, कि आपके लिए भी ये कठिन परीक्षा का समय है, आप सरकार के साथ, समाज के साथ, आवाम के साथ खड़े हों और दो चीज देखें। पहला चीज ये देखें आपके इलाके में पूरी तरह से लॉकडाउन के कानून का पालन हो रहा है, नंबर वन। नंबर दूसरी चीज ये देखें कि आपके इलाके में कोई अगर जमाखोर है, मुनाफाखोर है, कालाबाजारी करने वाला है, तुरंत अपने अपने जिला प्रशासन की सूचना दे ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। और सबसे अंत में मैं अपने पुलिसकर्मियों से ये अपील करना चाहूंगा कि सिपाही से लेकर के SP स्तर तक और उसके ऊपर के पंक्ति के जितने भी पदाधिकारी हैं, इनको एक बात तो बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए कि किसी भी हालत में कोई आवश्यक सेवा, एसेंशियल सर्विसेज में रुकावट ना आए, कोई आपातकालीन सेवा में रुकावट ना आए, कोई डॉक्टर हॉस्पिटल जा रहा है, उसका स्टाफ हॉस्पिटल जा रहा है, या आपातकालीन सेवाओं को और एसेंशियल सर्विसेज को बहुत अच्छे से समझा दिया गया है, उससे जुड़े हुए किसी आदमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और कालाबाजारी और मुनाफा का खोरी करने वाले लोगों पर एकदम पुलिस की कड़ी नजर रहनी चाहिए और जिला प्रशासन का हर तरह से सहयोग करें, चिकित्सा, जो भी सेवा के कार्य में जुटे हुए हैं, सिविल के हमारे पदाधिकारी कर्मचारी, सबका सहयोग करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की छवि अंग्रेजों के जमाने से हमेशा निगेटिव रही है, नकारात्मक रही है, तो ये संकट का समय है, लेकिन हमारे लिए अचूक अवसर है कि हम सेवा के साथ, जो लॉकडाउन कानून का पालन नहीं करेंगे उनके साथ तो सख्ती करनी है, उनके साथ कोई मरवत नहीं करना है, ये बात मैं बार बार स्पष्ट करता हूं, लेकिन आम आवाम जो 95-97-98% आवाम जो शिक्षा से कानून का पालन कर रही है, लेकिन उसके सामने भीषण संकट का समय है, किसी को दवा की जरूरत है, किसी को राशन की जरूरत है, किसी को और किसी मदद की जरूरत है, तो जहां जिस तरह की सेवा की जरूरत हो, एक एक सिपाही से लेकर SP तक, एक एक जनता को अपना परिवार समझे, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी का फोन आ जाए तो ये समझे मेरे घर से मेरे भाई का, मेरे बेटे का, मेरे परिवार के किसी सदस्य का फोन आया है, उसके दर्द को दर्द समझे, रात में अगर चिकित्सा की जरूरत हो अपनी गाड़ी भेज करके उसको ले जाइए, उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए, किसी को दवा की जरूरत हो आप दुकान से दवा खरीद करके उसके घर में भेजिए, मतलब सेवा से जनता का दिल जीती है। मैं चाहता हूं कि संकट का समय जब टले तो पुलिस की इमेज, पुलिस की छवि एक सकारात्मक रूप में उभर कर आए और हमारा एक एक सिपाही, एक एक थानेदार, एक एक इंस्पेक्टर, एक एक DSP, एक एक SP जनता के हीरो के रूप में इमर्ज करे। सेवा से लोगों का दिल जीतना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इस बात पर सभी ध्यान देंगे। मीडिया के साथियों से भी मैं अपील करूंगा कि संकट के समय में सकारात्मक ढंग से अपना न्यूज बनाएं
और प्रशासन की बात, सरकार की बात को सकारात्मक ढंग से आम जनता तक पहुंचाएं, और आम जनता की कठिनाई भी कोई हो तो हमारे ध्यान में और संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनके ध्यान में लाएं। आप सबों के सहयोग से ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये पूरे आवाम की लड़ाई है, ये मानवता की लड़ाई है, मनुष्यता की लड़ाई है। हम सब मिल करके एकजुट होकर के इस लड़ाई को जीत सकते हैं, और जीतने का एक ही तरीका है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अपने घर में रहें, बंद रहें, केवल इमरजेंसी में ही हम निकलें, ऐसे घर से बाहर नहीं निकलें। और बाहर कहीं निकलना भी पड़े, दवा की दुकान पर भी, तो एक दूसरे से एक मीटर की कम से कम दूरी बनाकर रखें, एक दूसरे में सटे ना, एक दूसरे को स्पर्श न करें, साफ सफाई स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखें। मतलब संदेश क्लियर देना था, जो लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे उनके साथ हम सख्ती से निपटेंगे। और अपने पुलिस फोर्स को ये निर्देश देना था कि आपके लिए अचूक अवसर है कि सेवा से जनता का दिल जीत लें, और कालाबाजारियों के लिए ये कहना था कि कालाबाजारी करेंगे, मुनाफाखोरी करेंगे तो उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उनके साथ कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।